Assalamualaikum students, we start our work of math for class 5. Now open your books. Page number 20, exercise 1D, question number 1, fill in the blanks. उन्होंने कहा है, कुछ statements दी हैं और कहा है कि blanks को fill करें. A है 5 multiply bracket में है 9 minus 2 is equal to. ये solve करके हमने बताना है कि bracket में क्या आएगा. जब भी ब्रैकेट आ जाती है किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7. जब 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 5 आर 35. तो क्या लिखेंगे? 35. आगे बी है 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9. ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3 में 1 प्लस करेंगे आएगा 4. 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 4 9 आर 36. तो क्या लिखेंगे? 36. आगे है सी, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 4 माइनस 2 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 2 4 आर 8. तो क्या लिखेंगे? 8. आगे डी है 9 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2. जब भी ब्रैकेट जो है आज ब्रैकेट ना हो और स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके लिए एक रूल है डमैस रूल. डी एम ए एस. डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन. डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड और माइनस. यानी कि जब भी इस क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसमें से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे. तो हम देखते हैं यहाँ पर है डिवाइड तो इसमें नहीं है, तो लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई 2 6. उसके बाद हमें क्या करना है? ऐड. 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 13. लास्ट पे हम करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे 13 में से 6 तो क्या आएगा? 7. तो क्या लिखेंगे? 7. आगे है ई, 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है. अब देखते हैं और रूल यूज करते हैं. डिवाइड इसमें पहले नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 7 5 जार 35. तो क्या लिखेंगे? 35. अब क्या करेंगे? ऐड. 35 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 41. तो क्या लिखेंगे? 41. क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी ठीक है. ए देखते हैं, 4 प्लस 6 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 7. तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 6 में 4 प्लस किए तो क्या आया? 10. आगे क्या करना है? डिवाइड करना है 5 से, मल्टीप्लाई करना है 7 से. तो क्या आंसर आएगा? 35. तो हम चेक करते हैं डमैस रूल के मुताबिक. सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड. तो क्या करेंगे? 5 को 2 से 10 पर डिवाइड किया तो क्या आया? 2. जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 14. तो वो कह रहे हैं कि आप ये इस स्टेटमेंट को जब सोल्व करें तो क्या आंसर 35 आता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत. तो क्या लिखेंगे? फॉल्स. आगे है बी, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से आंसर आएगा 6. तो चेक करते हैं, डिवाइड इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई है. सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 2 4 आर 8. आगे क्या करेंगे? ऐड. 8 पे 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 14. 14 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6. तो इसका मतलब है ये आंसर, ये स्टेटमेंट ठीक है. इसको सॉल्व करके आंसर आया है 6. तो क्या लिखेंगे? ट्रू. आगे सी है, 35 माइनस 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 29. अगर हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 29. चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? रूल के मुताबिक डिवाइड. 4 को 24 से डिवाइड करेंगे. 24 डिवाइड बाय 4. 4 5 आर 20 और 4 6 आर 24. तो आया है 6. ये है 6. 35 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 29. इसका मतलब है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या है?
ठीक है। सोल्व करते आंसर आया है 29, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। आगे डी है 12 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 9 में 6 प्लस किए 15। अब रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 6 टू जर 12, तो क्या आंसर आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 और इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं क्या आंसर आएगा इसको सोल्व करने से, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30, लेकिन वो कह रहे हैं क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, सॉरी ई पार्ट है पहले, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 5। मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 21, फिर करेंगे ऐड प्लस 9, जब इसमें से हमने 9 प्लस किए तो आंसर आया 30, जब 30 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर 79 आएगा, नहीं आंसर आएगा 25, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कह रहे हैं कि ऑप्शन जो है सिलेक्ट करें करेक्ट। ए है 6 प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा। मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड इसमें नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर प्लस करेंगे, 9 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15, फिर माइनस करेंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 कहाँ है, 9 पे हम टिक करेंगे, सी ऑप्शन। आगे है बी, 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, मैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवाइड किया जाएगा, 4 4 16 तो क्या आंसर आएगा 4, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, और 48 को क्या करेंगे 30 में प्लस तो क्या आंसर आएगा, करते हैं 48 13, 8 में 3 प्लस किए 11, 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी 415 516 61, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे है सी, करेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 9 6 54, 40 और उसके बाद क्या करेंगे प्लस, 40 में 50 प्लस फोर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 54 में 40 प्लस करें तो 4 0 0 5 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस करेंगे 4 5 में 4 प्लस करेंगे 9, तो क्या आंसर आया है 94, मतलब ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। डी पार्ट है 20 डिवाइड बाय ब्रैकेट में है 7 प्लस 9 माइनस 6 ब्रैकेट में है प्लस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, कह रहे हैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले रूल के मुताबिक ऐड करते हैं, 9 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 में से माइनस 6 किए तो क्या आया 10। अब है 20 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 2, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड, 20 को जब 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बाय 2 4, क्या है 4, तो क्या ऑप्शन ठीक होगा बी। आगे है ई पार्ट, 8 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 डिवाइड बाय 7, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, 6 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 8 4 32, 32 में 1 ऐड किए 33। आगे यह है 3 3 6 माइनस 7 28 आए, 7 4 28, 3 3 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 3 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द एडवांस रूल सॉल्व दिस, कह रहे हैं एडवांस रूल यूज करें और इसको सॉल्व करें, कॉपीज पर आएंगे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है 8 प्लस 4 माइनस 3, रूल के मुताबिक पहले ऐड करते हैं, 8 में 4 प्लस करेंगे, जब 8 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 12,
12 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या आएगा 9, तो 9 क्या है आंसर। आगे है बी पार्ट, बी पार्ट है 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 12। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 8 डिवाइड बाय 2, 2 का डबल पढ़ेंगे कि h आए, तो क्या लिखेंगे 2 4 जार 8 प्लस 12, अब करेंगे प्लस, 4 में 12 प्लस किया तो क्या आएगा 16, 16 क्या है आंसर। आगे है सी पार्ट, 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5। रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जार 30, 30 में से माइनस करना है 5, 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 25। आगे डी है 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 3 3 इज 1, 3 1 इज 3, 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो आंसर क्या आएगा 9। आगे ई पार्ट है 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11 प्लस 8 2 इज 16, 11 में 16 प्लस किए तो क्या आएगा 27। आगे एफ पार्ट है 12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 4 3 जार 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जार 15। आगे जी पार्ट है 30 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो डिमेंस रूल के मुताबिक पहले क्या करेंगे डिवाइड, 30 प्लस 3 2 आर 6, तो आंसर क्या आएगा डिवाइड करके 2, 30 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आया 32। एच पार्ट है 16 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 16 प्लस 2 4 आर 8, क्या प्लस करेंगे 4, 16 में 4 प्लस किया तो क्या आया 20, आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई दिस यूजिंग द डिमेंस रूल। इनको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें डिमेंस रूल की हेल्प से। नोटबुक पे आएंगे, डिमेंस रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं डिवाइड, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर एड और फिर सब्ट्रैक्ट। ए पार्ट है 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3 2 आर 6, तो डिवाइड करके क्या आंसर आया 2, मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 आर 24, तो आंसर क्या आया 24। आगे बी पार्ट है 15 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय 14। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके आंसर के साथ, 14 को जब हम डिवाइड करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे 14 से तो क्या आंसर आएगा 14 3 जार 42, तो आंसर क्या आया 3। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जार 45। सी पार्ट है 84 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 10। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 7 का डबल पढ़ेंगे 84 आया तो किस पर आएगा डिवाइड करके देखते हैं, 84 7, 7 1 इज 7, 8 में 7 माइनस किए 1 4, 7 2 आर 14, तो क्या आंसर आएगा डिवाइड करके 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 आर 120। डी पार्ट है 108 डिवाइड बाय 12 प्लस 46। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे 108 12 करके देखते हैं, 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 108 आए, नाइन पे मल्टीप्लाई करने से 108 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है आंसर आया 9। इसको डिवाइड करके लिखेंगे आंसर 9 प्लस 46,
प्लस करते हैं, 46 में 9 प्लस किए तो आंसर आया 55। आगे ई पार्ट है 12 प्लस 21 डिवाइड बाय 3। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 14 प्लस डिवाइड करके आंसर आया 3 का डबल पड़ेगा 21 आए, 3 सेवन जार 21, 7 आंसर आया है। 14 में 7 को प्लस करेंगे आंसर आया 21। एफ पार्ट है 20 माइनस 16 डिवाइड बाय 4। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 20 माइनस 4 फोर जार 16, डिवाइड करके आंसर आया है 4। 20 में से 4 माइनस किए आंसर आया 16। जी पार्ट है 58 माइनस 24 डिवाइड बाय 8। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 58 माइनस 8 फोर जार 24। इसको डिवाइड करके आंसर आया 3। 58 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 55। आगे एच पार्ट है 17 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20। रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 5 से, 500 5 टू सर 10 मतलब 100 आंसर आया है। 100 में 17 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 117। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई, कह रहे हैं इनको इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर फाइंड करें। नोटबुक पर आएंगे, ड्रमेस का रूल यूज करके इनको सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ए पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 5। रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 8 माइनस 5, 8 में 6 प्लस किए 14, 14 माइनस 5 तो क्या आंसर आएगा, 9। बी पार्ट है 128 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 128 4, 4 का नंबर पड़ेगा कि 12 आए या उससे कम, 4 3 जार 12, 8 नीचे आएगा, 4 2 जार 8 तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया, 32 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5। रूल के मुताबिक अब मल्टीप्लाई करेंगे, 32 प्लस 12 5 जार 60 प्लस करेंगे, 60 में 32 प्लस किए तो 92। सी पार्ट करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 थ्री जार 12, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जार 30, 30 में 3 प्लस किए तो क्या आया, 33। डी पार्ट है 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 24। रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, 3 आ गया माइनस 24, अब क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जार 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 3 1 इज 3, 2 प्लस किए 5 यानी कि मल्टीप्लाई करके आया 54। 54 में से क्या करना है, 24 को माइनस, 54 में से 24 को माइनस करेंगे, 4 4 0, 5 में से 2 माइनस किए 3 तो क्या आंसर आया, 30।